वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सेल कम्युनिकेशन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल यहाँ आए प्लीज लाइक शेयर दिवे एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन की। ओके, सेल के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, बात करेंगे कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यदि कोई एक पर्सन है, यहाँ कोई दूसरा पर्सन है, या यहाँ एक कोई सेल है या एक दूसरी सेल यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ओके, कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है। ओके, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन। और सेल कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेल्स होती हैं आपस में कई तरह का प्रोसेस अप्लाई करती है, राइट। इसी के बेस पे पता चल पाता है कि बाहर जो है माइक्रो एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं, टिश्यू का रिपेयर देखते हैं, इम्यूनिटी देखते हैं, या होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये बिल्कुल बहुत नेचुरल है सेल कम्युनिकेशन का होना। और एक सेल जो दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, उसके लिए वो कई तरह के यहाँ पे केमिकल्स का यूज कर सकती है, जैसे कि पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, स्टीरॉइड्स एंड द लिपिड्स। सो गाइस एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि सेल कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन नॉर्मली जो है इंग्लिश वर्ड ही है कम्युनिकेट करना, बट यहाँ पे बस इतना है कि ये एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर रही है वाया दिस मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जो भी मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सेल जो है यदि कोई मॉलिक्यूल यहाँ से आता भी है तो उसके यहाँ रिसीव होने के लिए कोई रिसेप्टर होना जरूरी है ना। कोई पर्सन यहाँ रिसीव करने वाला तो होना चाहिए ना, तभी तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो आ रहा है इसका यूटिलाइजेशन होगा, तभी ये कुछ काम आगे की तरफ कर पाएगा। यदि रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो आगे कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए रिसेप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर है और दूसरे हैं जो इंट्रा सेलुलर है। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है, इसको हम कहते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, और कुछ रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर होंगे, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे और न्यूक्लियस के बाहर होंगे, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल सरफेस रिसेप्टर की। तो नाम से क्लियर है कि ये बिल्कुल सेल के सरफेस पर होगा, और कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ से आता है तो यहाँ आके बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद आगे जो भी प्रोसेस होगी वो अंदर की तरफ होगी। बस यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि इसका जो शेप है ये इसका काउंटर शेप होना चाहिए, है ना, तभी इसके यहाँ पे आके बाइंड हो पाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो है आप देख पा रहे हो इस टाइप का है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी कैसा होगा, यहाँ पे थोड़ा ट्राइंगल शेप का होना चाहिए ताकि आके ये बाइंड अप हो पाए। ओके गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर की। पहला पॉइंट है, एनी सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू द वैरायटी ऑफ द सिग्नल्स। ओके, कहने का मतलब है कि जो सेल्स होती है तो उसमें कई तरह के सिग्नल्स से ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। और एट एनी टाइम 100 ऑफ द डिफरेंट केमिकल सिग्नल इन द एनवायरमेंट सराउंडिंग द सेल, बहुत सारे केमिकल सिग्नल यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको रिसीव करने के लिए इस सेल के ऊपर रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल। ओके, तो व्हेन द मॉलिक्यूल बाइंड द रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ द राइट शेप, द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर ऑकर्स। तो इस रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहे हैं क्या करते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हो गया। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद दिस बाइंडिंग प्रोड्यूस अ चेंज इन द रिसेप्टर प्रोटीन शेप, प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स इन द सेल। मान लीजिए कि ये ऐसा कोई रिसेप्टर था इस टाइप का, इसके ऊपर यहाँ पर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया और वो बाइंड हो गया, ठीक है। जैसे ही बाइंड हुआ ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। सपोज स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये ऐसा हो गया, है ना, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये ऐसा हो गया। तो ये जो चेंजेस हुए ये कहाँ हुआ, ये बिल्कुल ये मान लीजिए कि मेम्ब्रेन थी, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये चेंजेस बिल्कुल यहाँ अंदर तक हुआ। इसके अंदर के चेंज होने की वजह से कई सारी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस अंदर की तरफ होती है
और इसकी वजह से कोई भी जो एंजाइम बनना होता है, जो प्रोटीन बनना होता है, वो यहाँ पर बनेगा और आगे की प्रोसेस परफॉर्म होगी, राइट। इसी को हम डायग्रामेटिकली यहाँ देख लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है सिग्नल मॉलिक्यूल, यहाँ देख रहे, अब देख पा रहे हो कि डिफरेंट शेप के सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये राउंड शेप का है, ये जो है ये स्टैम्प टाइप का है। तो ये मॉलिक्यूल यदि यहाँ पे फिट होता है इस रिसेप्टर के ऊपर तो ये फिट होगा, और फिट होने के बाद यहाँ पर इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे कई सारी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चलने लगेंगी, राइट। फिर हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की। इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है जो कि सेल के अंदर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, मतलब साइटोप्लाज्म में होगा और न्यूक्लियस के बाहर होगा, राइट। तो मेनी सिग्नल्स आर द लिपिड सोल्यूबल। अब आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और जो मॉलिक्यूल है यदि ये भी लिपिड नेचर का होता है, लाइपोफिलिक नेचर का होता है, तो आप ये इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। यदि हाइड्रोफिलिक होगा तो ये क्रॉस नहीं करेगा, तो लिपोफिलिक होने की वजह से यहाँ से इजीली क्रॉस कर जाएगा और कहाँ जाके बाइंड होगा, इस रिसेप्टर के ऊपर जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है या जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर है जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर है उसमें जाके ये बाइंड हो जाएगा, ओके। बट ये उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए है जो किस जो कैसे होंगे, लाइपोफिलिक इन नेचर होंगे, ओके गाइस। सम सेल सिग्नल बाइंड टू द प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म वेयर अदर पासेस अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज बाइंड टू द रिसेप्टर विद इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर यहाँ के बाइंड हो जाए। दूसरा कंडीशन ये है कि इस सेल के अंदर, ये सपोज सेल है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल आया और अंदर एंटर हो गया, तो ये साइटोप्लाज्मिक में अटैच नहीं हुआ, ये कहाँ पे अटैच हुआ, इस न्यूक्लियस पे अटैच हुआ, है ना, न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्टली जाके ये बाइंड हो गया और अंदर की तरफ जो डोमेन होता है डीएनए का उस पर जाके ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी हो सकता है इंट्रासेलुलर में और न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हो सकता है, ओके। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं कि कैसे ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। पहला यहाँ पे है रिसेप्टर दैट एक्ट एज जीन रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये रिसेप्टर दैट एक्ट एज अ जीन रेगुलेटर, मतलब ये जो रिसेप्टर है वो क्या काम करेगा, जीन को रेगुलेट करने का काम करेगा। जीन मतलब डीएनए के ऊपर जो फ्रेगमेंट प्रेजेंट है या डीएनए का खुद का एक फ्रेगमेंट जो जीन है उसका रेगुलेट करेगा, राइट। बट यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे होगी, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिसेप्टर है इसमें यहाँ ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, ओके। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इनहिबिटर प्रोटीन लगा हुआ है, ओके गाइस। इस रिसेप्टर में यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसके लिए डोमेन है, ये है सिग्नल मॉलिक्यूल के आने के लिए, बाइंड होने के लिए, राइट। तो जब भी ये सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड रहता है, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर डीएनए से बाइंड नहीं हो सकता, ओके। बट जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, यहाँ बाइंड होता है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ये इनहिबिटर प्रोटीन यहाँ से निकल जाता है। जैसे ये निकलेगा ये साइट यहाँ पे खाली हो जाएगी, है ना, और ये साइट किसकी है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन की। अब ये जाके क्या करेगा, डीएनए में बाइंड हो जाएगा, ओके। और आगे जो भी एंजाइम है प्रोटीन फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस करेगा। यहाँ क्या हुआ इसने कि जो रिसेप्टर था उसने क्या किया, जीन रेगुलेटर की तरह ही काम किया, ओके। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, जो डायग्राम मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द जीन ट्रांसक्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर फॉर द स्टीरॉयड हार्मोन, है ना। स्टीरॉयड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है वो जीन रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। कार्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, मतलब आप एक चीज बोल सकते हो, हाँ, जो हार्मोन है तो हार्मोनल रिसेप्टर मैक्सिमम कैसे होते हैं, जीन रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। ऑल ऑफ दीज रिसेप्टर हैव अ डीएनए बाइंडिंग साइट, जैसे यहाँ पे बताया आपको ये डीएनए बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे इनहिबिटर अभी प्रेजेंट है जब तक कि कोई भी मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से नहीं आता है, ओके। इन इनएक्टिव स्टेट द रिसेप्टर कैन नॉट बाइंड विद द डीएनए,
तो जब इनएक्टिव होता है तो यहाँ पर इनहिबिटर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये जो साइट आपको दिख रही है ये ओपन नहीं होती है। कब ओपन होती है? जब सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, जैसे यहाँ कार्टिसोल आपको दिख रहा है कि कार्टिसोल यहाँ पे आया हुआ है, तो कार्टिसोल जैसे ही आया इसमें चेंजेस हुआ, इनहिबिटर जो है यहाँ से चला गया या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपको। ये यदि खाली हो गया तो क्या करेगा, अब ये डीएनए के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, आगे हम चलते हैं। सेकेंड है रिसेप्टर दैट एक्ट एज एंजाइम। रिसेप्टर क्या काम कर रहा है? एंजाइम की तरह काम कर रहा है, मतलब ये एंजाइम को प्रमोट करेगा। ओके, द अदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक्ट एज एन एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एंजाइम की तरह काम करता है, कैसे करेगा? अ स्मॉल गैस मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल वेयर इट प्रोड्यूस एंड पासेस डायरेक्टली इनटू द नेबरिंग सेल। एक सेल है और एक दूसरी सेल है ना, यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ ये नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली कहाँ चला गया? सेकेंड वाली सेल के अंदर चला गया। वेयर इट बाइंड विद द ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम। इस सेल के अंदर जो ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम है इससे जाके ये क्या हुआ? बाइंड होता है। अब आगे की जो प्रोसेस होगी इसको बोलेंगे कास्केड इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस अब होती जाएगी, है ना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरी सेल में ग्वानिल साइक्लेज से जाके बाइंड हो गया। बाइंडिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू द रिसेप्टर एक्टिवेट द एंजाइम इनेबलिंग इट टू कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ द ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी। तो कहने का मतलब है कि जो ग्वानिल साइक्लेज है ये तो एक एंजाइम है, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट किया। इस ग्वानिल साइक्लेज ने क्या किया, यहाँ पर जो जीएमपी होता है ना, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। तो यहाँ पे क्या किया इसने, कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ जीएमपी, जीएमपी को बनाया। एन इंटर सेलुलर पैसेंजर मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस द सेल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सच इज द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स विल ऑकर। जैसे ये बना इसने आगे प्रोसेस किया और आगे क्या आएगा, यहाँ पर इफेक्ट आएगा। नाउ सेल सरफेस रिसेप्टर है ना, इसको यदि देखा जाए सेल सरफेस रिसेप्टर को, इंटर सेलुलर में हमने देख लिया, यहाँ पे न्यूक्लियर देख लिया, साइटोप्लाज्मिक देख लिया। अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर की। तो सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल आर वाटर सॉल्युबल सच इज द पेप्टाइड हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर एंड द प्रोटीन दैट एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सेल सरफेस रिसेप्टर में ऐसे जो मॉलिक्यूल सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए या कुछ प्रोटीन्स हो गए, ओके। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जबकि अभी हमने जो ऊपर बात की न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए, या जहाँ पे हॉर्मोन्स थे वो कैसा था, वो लाइपोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है ये इजीली क्रॉस नहीं हो सकते, गॉट इट। इसलिए देयरफॉर फॉर जनरेशन और रिस्पॉन्स दे मस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन। इसलिए ये अपना रिस्पॉन्स कैसे यहाँ शो करेंगे कि यहाँ पे जो सेल सरफेस रिसेप्टर है इसके ऊपर इसको बाइंड होना है और आगे फिर एक्टिवेशन रिसेप्टर का होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दी सेल सरफेस रिसेप्टर कन्वर्ट द एक्सट्रा सेलुलर सिग्नल टू एन इंट्रा सेलुलर सिग्नल बाय बाइंडिंग विद द सिग्नल मॉलिक्यूल बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज विद इन द साइटोप्लाज्मिक सेल। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिसेप्टर है जैसे रिसेप्टर पे बाइंड होगा ये अंदर यहाँ पर क्या करेगा, चेंजेस करेगा, और चेंजेस करने के बाद जो भी यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है, टारगेट है, उसको यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ओके, तो दीज आर द थ्री टाइप्स, केमिकली गेटेड आयन चैनल, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। ओके, पहला हम बात करेंगे हैं केमिकली गेटेड आयन चैनल। केमिकली गेटेड आयन चैनल, दीज आर द प्रोटीन रिसेप्टर्स थ्रू विच आयन पासिस। ओके, आयन चैनल है इसका मतलब है इसके अंदर से क्या जाएगा, आयन ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं और रिसेप्टर का काम करते हैं, है ना। यही क्या होते हैं आपके प्रोटीन रिसेप्टर्स। एट द सेंटर ऑफ द प्रोटीन पोर
is present that connect the extracellular fluid with the cytoplasm. सेल के अंदर के लिए हम बात करें तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर अंदर की तरफ ऐसे अटैच होता है और बीच में इसमें पोर होता है, तो जो भी मॉलिक्यूल जो भी आयन होता है वो उस पोर के थ्रू कहाँ आ जाता है, अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर आ जाता है या साइटोप्लाज्म में आ जाता है. ओके, द साइज ऑफ द पोर इज बिग सो दैट द आयन कैन इजिली पास थ्रू इट, सो द प्रोटीन फंक्शन एज अ चैनल या आयन चैनल, राइट. इसका पोर का साइज क्या होता है कि यहाँ जो आयन होते हैं आपके सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ये इसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं या जा सकते हैं. ओके, तो ये एक आयन चैनल की तरह ही काम करता है. द चैनल इज नोन एज केमिकली गेटेड बिकॉज इट ओपन व्हेन अ केमिकल आर द न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड विद इट. केमिकली गेटेड का मतलब होता है जब कोई केमिकल इसके ऊपर आता है तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है केमिकली गेटेड. और क्या ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, आयन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको बुलाया जाता है केमिकली गेटेड आयन चैनल. और जो आयन है इसके अंदर क्या होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और भी कई सारे आयन है जो कि इसके अंदर अक्रॉस जा सकते हैं. ये सिंपल सा एक डायग्राम है इसका कि यहाँ पर ये पहले क्लोज कंडीशन में है, पर जैसे ही यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल आया ये ओपन हो गया और यहाँ से आयन की एंट्री शुरू हो गई, ठीक है. चलिए चलिए हम बात कर लेते हैं हम एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की. मेनी सेल सरफेस रिसेप्टर ईदर एक्ट एज एन एंजाइम आर डायरेक्टली लिंक टू द एंजाइम. ये सेल सरफेस है और यहीं पे रिसेप्टर है, ठीक है. तो कई बार यहाँ पे क्या होगा, ऊपर रिसेप्टर है पर नीचे की तरफ क्या है, ये किसी न किसी एंजाइम से लिंक्ड होता है, जैसे कि टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, है ना, इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं, ए है बी है. तो यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है नीचे की तरफ किसी न किसी यहाँ पर एंजाइम से अटैच होता है. वन एज सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द एंजाइम रिसेप्टर इट एक्टिवेट द एंजाइम. जैसे ही कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और इसके होने की वजह से नीचे जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, ये एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल के आने पर. The enzyme that get activate called as protein kinase, which add the phosphate group to the protein. नाम क्या है इसका, protein kinase, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये protein में क्या करता है, phosphate group को add कर देता है, मतलब उसको energy provide कराता है. The enzymatic receptor consists of signal transmembrane protein. The portion that bind to the signal molecule lies outside the cell and the portion that carries out the enzyme activity is exposed to the cytoplasm. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक्सटर्नल, ये बाहर का सरफेस है इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सटर्नल लिख देते हैं, और ये क्या है आपका इंटरनल है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो इसका जो बाइंडिंग साइट होता है, सिग्नल बाइंडिंग साइट, ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब एक्सटर्नल साइट में. बट इसका जो प्रोटीन वाला साइट है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, राइट. तो क्या होगा यहाँ से, ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसेप्टर में चेंजेस करेगा और इसके चेंजेस होने की वजह से नीचे की तरफ यहाँ पर एक्शन आना शुरू हो जाएगा, राइट. तीसरा हम पढ़ते हैं जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, या इसको बहुत सिंपल सा हम बोलते हैं GPCRs, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, राइट. तो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर एक्ट इनडायरेक्टली ऑन एंजाइम आर द आयन चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड GTP, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन. तो नाम से क्लियर है कि यहाँ जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स होता है, इसका मतलब है कि जो रिसेप्टर है इसके ऊपर क्या अटैच है, जी प्रोटीन है ना, क्या अटैच होगा, जी प्रोटीन अटैच होगा. इन दिस टाइप जी प्रोटीन आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस इनटू द इनसाइड द सेल. यहाँ पे आप देखोगे ये रिसेप्टर है और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ क्या लगा हुआ है, जी प्रोटीन लगा हुआ है ना, दिस इज नॉट जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन. जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल आया, एक्टिवेट हुआ, ये यहाँ से मूव ऑन हो जाता है ना, जी प्रोटीन यहाँ से क्या करेगा, मूव ऑन हो जाएगा. तो जी प्रोटीन आर द मीडिएटर दैट इनिशिएट द डिफ्यूजिबल सिग्नल इन द साइटोप्लाज्म. जी प्रोटीन क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए. They form a link between the cell surface receptor and the signaling pathway within the cytoplasm. ये क्या कर रहा है,
सेल सरफेस और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सिग्नलिंग पाथवे इन दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। एज द सिग्नल अराइव इट फाइंड द जी प्रोटीन प्रेजेंट इन द जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल आएगा, ये यहाँ क्या करेगा, इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। वंस द सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर द शेप ऑफ द जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर गेट चेंज्ड। ओके, अगेन हम यहीं पे आएंगे कि ये रिसेप्टर था और ये रिसेप्टर जो है नीचे की तरफ इस टाइप से था। जैसे ही मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हुआ, इसमें यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस आ गया, है ना। ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे, इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। दिस चेंज इन द रिसेप्टर शेप ट्विस्ट द जी प्रोटीन कॉजिंग इट टू बाइंड द जीटीपी। यहाँ से जैसे इसमें चेंज आता है, ये क्या होता है, जीटीपी से बाइंड हो जाता है। जी प्रोटीन कैन नाउ डिफ्यूज अवे फ्रॉम द रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन अब क्या होता है, यहाँ से मूव जाता है और दूर चला जाता है टुवर्ड द टारगेट। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ द जी प्रोटीन विद अटैच्ड जीटीपी इज देन फ्री टू इनिशिएट अ नंबर ऑफ इवेंट्स। अब जैसे यहाँ से निकलेगा ये, तो ये कई सारे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए अब फ्री है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ कि जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर होता है, ये एक तरह का रिसेप्टर है जिसमें नीचे की तरफ यहाँ क्या है, जी प्रोटीन लिंक्ड होता है। सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, अटैच होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर में चेंजेस होंगे, उसकी वजह से जो नीचे की तरफ यहाँ पे जी प्रोटीन लगा हुआ है ये भी एक्टिवेट होगा और ये कहाँ जाएगा, अपने टारगेट की तरफ जाएगा, जो भी इसको फंक्शनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये इस टाइप से है, ये जी प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पर आया, मतलब ये बाइंड हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जी प्रोटीन ही एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब आगे की तरफ ये जो जी प्रोटीन है आगे जाके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। यदि किसी एक्टिवेटेड एंजाइम चैनल के साथ बाइंड हुआ है तो आगे एंजाइमेटिक प्रोसेस यहाँ पे करेगा, या आयन चैनल के साथ हुआ तो यहाँ से आयन जो है उसकी एंट्री को आगे बढ़ाएगा। ठीक है गाइस, ये था यहाँ पर इसके सिग्नलिंग पाथवेज, या हम कह सकते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। होप सो गाइस आपको समझ में आया हो, और जिन्हें ही समझ में आया है तो प्लीज यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।